प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था पर योगी से पूछे सवाल। प्रियंका के सवाल पूछने पर यूपी पुलिस ने दिए जवाब। प्रियंका ने बड़ी घटनाओं का जिक्र कर कानून व्यवस्था ध्वस्त बताई। यूपी पुलिस ने दिए आंकड़े, बताया आपराधिक घटनाओं में कमी आई। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने प्रदेश की खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल पूछे हैं। प्रियंका ने ट्वीट में पिछले दिनों हुई यूपी की बड़ी घटनाओं की कटिंग भी टैग की है। प्रियंका के सवालों पर योगी की तरफ से यूपी पुलिस ने जवाब दिए हैं। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा, पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधी खुलेआम मनमानी करते घूम रहे हैं, एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, मगर राज्य की बीजेपी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने पूछा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? तो इस पर यूपी पुलिस ने भी ट्वीट से जवाब दिया है और लिखा, गंभीर अपराधों में यूपी पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। 2 सालों में 9,225 अपराधी गिरफ्तार हुए और 81 मारे गए हैं। रासुका में प्रभावी कार्रवाई कर लगभग 2 अरब की संपत्ति जब्त की गई है। डकैती, हत्या, लूट और अपहरण जैसी घटनाओं में अप्रत्याशित कमी आई है। यूपी पुलिस ने एक और ट्वीट किया है जिसमें बताया कि किस तरह यूपी में अपराध का गिराफ नीचे आया है। यूपी पुलिस के मुताबिक प्रदेश में क्राइम घटनाओं में 20-35% तक की कमी आई है। प्रियंका ने योगी पर हमलावर होते हुए कहा था कि राज्य में अपराधी सरेआम मनमानी करते घूम रहे हैं, लेकिन इससे सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। तब प्रियंका के सवालों पर यूपी पुलिस ने उनको तथ्यों के साथ जवाब दिया है।